Swami. फिर वही बात कहता हूँ कि मेरी बात को ध्यान से सुनना, पता नहीं क्यों कहता हूँ, मुझे भी समझ लगती है। वचन वचन वाणी तीन तरह की होती है, तीन तरह। एक होती है यथार्थ, यथार्थ भी असलियत, सच्चाई, हकीकत और सत्य, जिसमें सीधा बात कही जाती है। एक होती है रोचक, जिसमें अट्रैक्शन पैदा की जाती है कि अट्रैक्शन पैदा हो तो तुम आओ, गुरु की गुरु के गुरु को मिलने की तुम्हारे अंदर में जज्बा जिसमें पैदा होता है। पहले वो जज्बा ऐसा होता है कि गुरु तुम्हारे से अलग है, उसको बुला लो, उससे प्रेम करो, उसको खेचो, लाओ अपने पास, ऐसा ही है ना। फिर तीसरा एक और है जिसमें दुनिया में आजकल देखा गया है कि ऐसी वाणी भी है जिससे संगत को डराया जाता है, डराया जाता है कि अगर तुम ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, ऐसा भी मैंने नोट किया है, ऐसी वाणी भी है। अब जैसे मेरे प्यारे बाबा भजिंदर सिंह जी ने कहा, मिल मेरे प्यारे जी, मैं खड़ी निभाई, उसमें ऐसा लगता है कि वो प्यारा कहीं दूर है, कहीं मेरे से अलग है, उसको उन्होंने पुकार की है, उस महापुरुष ने उसको पुकार की है। लेकिन फिर पानी में आया है, काहे रे पर खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अलेपा जट ही खोजो भाई। ये भी कहा श्री गुरु नानक साहब ने, तो फैसला ही कर दिया, जन कहे नानक बिन आपा जीना मिटना भरम की काई। लो फैसला हो गया, तुम किसको पुकार करते हो, तुम किसको ढूंढना चाहते हो, तुम किसको देखना चाहते हो। गुरु नानक साहब कहते हो अंदर। फिर वाणी में एक शब्द और आता है, वो क्या है, वो कैसे है तुम्हारे अंदर, वो कैसे है, पुष्प मध्य जीव वास वसत है, फूल में जैसे खुशबू ऐसे वो तुम्हारे अंदर है। पुष्प मध्य जीव वास वसत है, मुकुर माहे जीव शाही, जैसे शीशे में तुम्हारा रूप नजर सामने आ जाता है। ये भी वाणी है। और फिर कहा, ऐसे ही हर बसे निरंतर घट ही खोजो भाई, वो तो तुम्हारे अंदर है, उसको अपने अंदर खोजो। फिर तीन बातें आपको समझ लग गई, तुम संत मत, गुरु मत, गुरु मत क्या, ये गुरु मत की बात मैं करता हूँ, ये गुरबाणी की मैंने बात की, क्योंकि मैं जहाँ पैदा हुआ और यही मैं पला, यही मैं पढ़ा और यही मेरे बाबा फिर मुझे मिले, यही बाबा भूपेंद्र सिंह जी मिले, यही हरिदास जी मिले, यही सारे मेरे संगत मिली मुझे, मेरी बात समझ गए। तो मेरी आंख कैसे खुली, मैं तुम्हें जो बताना चाहता हूं, सब ठीक है, जो जो कहा जाता है वो सब ठीक है, लेकिन 1945 में सतगुरु बाबा कीर्ति महाराज ब्यास डेरे गए, उस वक्त वहां बाबा सावन सिंह जी महाराज विराजमान थे, तो बाबा फकीर जी महाराज ने उनसे प्रार्थना की कि बाबा सावन सिंह जी महाराज दाता दयाल जी महाराज से बहुत परिचित थे, क्योंकि दाता दयाल जी महाराज हजूर राय सागराम साहब के शिष्य थे और बाबा जयमल सिंह जी महाराज पंजाब से वही नाम लेकर आए और पंजाब में आकर संत मत का प्रचार किया। तो इसलिए ब्यास और आगरा और बाबा फकीर जी महाराज एक ही थे, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि दुनिया ने बात को समझा नहीं। तो फकीर बाबा ने कहा, महाराज दाता दयाल महाराज शिवप्रतलाल जी ने मुझे सत्संग की ड्यूटी दी है,
सत्संग की ड्यूटी दी है, आप कृपया मुझे आज्ञा दीजिए कि ये मैं काम ना करूं। क्यों ना करूं? क्योंकि मैंने सत्य बोलना है, मेरे से झूठ बोला नहीं जाएगा। मैं कोई डेरा नहीं बनाना चाहता, मैं कोई संगत नहीं बनाना चाहता, मैंने तो अपना अनुभव कहना है जो दादा दयाल महाराज सुभद्रा जी के चरणों से मिला। तो बाबा सावन सिंह जी महाराज ने उनके कंधे पर हाथ रख के कहा, ये लिखा हुआ है, मैंने इन इन आंखों से हजूर बाबा फकीर जी महाराज से सुना कि उन्होंने कहा कि फकीर मेरे से सत्य नहीं कहा जा रहा, मैं सत्य नहीं कह सकता। क्यों क्यों नहीं कह सकता? एक तो मेरा डेरा है और दूसरा ये संगत अधिकारी नहीं है, अधिकारी नहीं है। तुम निर्भय होकर काम करो, मैं तेरी पुष्टि पना पर हूँ, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। तभी फकीर बाबा ने खुल के सब कुछ कहा। ये मान्यता मंदिर महाराज कभी नहीं बनाना चाहते थे, कहते मैं झंझट में नहीं पढ़ना। 1962 की बात है, मैं उस वक्त वहाँ राजमाता वासवर्णदास जी के घर में, तो शेष दुर्गादास जी चंडीगढ़ वाले जो मेरे बाबा जी महाराज के कुल भाई थे और बसरा बगदाद में कच्छे रहे, उन्होंने कहा कि आपकी शिक्षा जो है ये ऐसे ही दब जाएगी, इसकी कोई कदर नहीं होगी। हम चाहते हैं कि ये दुनिया में फैले, इसलिए हम चाहते हैं कि कोई जमीन ले और वहाँ एक केंद्र बनाए। और उसके साथ ही लाल सिंह सरदार लाल सिंह जी आ गए, उनके छोटे भाई अमर सिंह जी आ गए, डॉक्टर दर्शन सिंह जी वो भी आगे आ गए, नारायण सिंह जी जो बहुत सेवा की वो भी आगे आ गए। सब ने कहा महाराज हमने तो जगह बनानी है, तो शेठ दुर्गादास ने 22,000 पैर रूपाल कर रखा और फिर ये जमीन मैंने देखी हुई है, ये जमीन एक जमींदार की थी। तो जहाँ जब आए गए तो उन्होंने कहा मैं तो भाई सारी बेचनी है, मैं टुकड़ा नहीं करूँगा। तो वहाँ जाकर जो पैसे थे इकट्ठे हुए, वो वहाँ जाकर वो जहाँ अभय कुमार का मकान है जो नारायण दास ने भी खरीदा, तो वो सारा नारायण दास ने कहा बाकी का मैं ले लेता हूँ महाराज जी, इसे सारा ले लो। तो तब ये सारा ले लिया गया। यहाँ आप बैठे, मैंने क्यों कह रहा हूँ, मैंने क्यों कहा, हम स्कूल में बच्चे को एडमिट करते हैं, स्कूल वाले भी उसका टेस्ट लेते हैं ना, कॉलेज में एडमिट करते हैं, आर्ट्स में जाना है तो कोई बात नहीं, साइंस में जाना है तो नंबर पूछे जाते हैं, फिजिक्स में कितने हैं, मैथ में कितने हैं, केमिस्ट्री में कितने, ऐसे नहीं एडमिशन होते, ठीक है ना। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि संत मत में हर डेरे में सुबह जाओ शाम को नाम लेकर आ जाओ, नाम की इतनी सस्ती चीज बन गई, इतना सस्ता बन गया। धर्मदास, धर्मदास जो कबीर साहब के सेवक थे, बड़े धनी थे, राजाओं की तरह रहते थे, सारा धन माल बेच देकर दान करके कबीर साहब के चरणों में आ गए। 30 साल के बाद, 30 years के बाद कबीर साहब ने उसको भेद दिया। क्या कहा मैंने? अगर आप चाहते हैं कि वो जो सर्वव्यापी है वो तुम्हारे अंदर है, तो कबीर साहब ने उसके लिए कंडीशन लगाई। आज के संतों ने कोई कंडीशन नहीं लगाई। जाओ चाहे बच्चे को ले जाओ, बाबा जी इन्हें भी नाम दे दो, मेरे पास ऐसे केस आते हैं। तुम नाम समझते क्या हो, क्या चीज नाम है? नाम कोई गज मूली है कि ले आके खा लो तुम पार हो जाओगे? तुम गुरु को भी धोखा देते हो और अपने आप को भी धोखा देते हो। मैं आपको कबीर साहब का शब्द बताता हूं, तुम तब तक उसको नहीं देख सकते, किसको, जो तुम्हारे अंदर है, जिसका मैंने सुबह जिक्र किया, जो तुम्हारी देखभाल कर रहा है तुम्हें पता ही नहीं। तुम मन के रूप पर दुनिया में जी रहे हो, तुम बुद्धि के रूप पर दुनिया में जी रहे हो,
तुम अड़कन की दुनिया में जी रहे हो, वहां तो अकल है ही नहीं। अयोध्या जी महाराज ने फरमाया, बच्चा स्पिरिचुअलिटी स्टार्ट्स व्हेन इंटेलेक्ट एंड्स। जहां बुद्धि नहीं, जहां इंटेलेक्ट नहीं है, बुद्धि नहीं है, वहां शुरू होता है। इसलिए स्वामी जी महाराज ने एक शब्द लिखा, विद्या तो बड़ी विद्या, संतन की क्या कदर न जाने। तूने तो संतों को जाने नहीं, तो इसलिए मेरे तो भी तो हुक्म हुआ कि तूने किताब नहीं पढ़नी, तूने अपने मन की किताब पढ़नी। लेकिन जब कबीर साहब सामने आ जाते हैं और मैं दुनिया को देखता हूँ, तो मैं तड़प जाता हूँ कि मैं बता दूँ तुम पहले क्या करो ताकि तुम क्वालिफाई हो जाओ। तुम क्वालिफाई हो जाओ उस नाम के लिए, उस नाम के अधिकारी, उसको देखने के काबिल बन जाओ जो कबीर साहब कहते हैं। पढ़ो, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। वो कबीर साहब कहते हैं, मैं अपनी आंखों से देख तेरे अंदर बैठा तेरा प्यारा। क्या कहा मैंने, सुनो सुनो। राधा स्वामी कर नैनो चीज, ये महल गुरु नानक साहब ने भी इसको महल कहा है। एक शब्द में मुझे याद नहीं आ रहा था, जिसके नौ दरवाजे खुले हैं, इसके 20 स्तंभ हैं। 20 गुरु नानक साहब ने कहा इसके 20 स्तंभ हैं, 5 5 10, 5 इस पैर के पूरे ऊंचे, 5 इसके 20 हो गए ना, तो 20 पर ये महल खड़ा है। और इसके 9 दरवाजे हैं, एक दरवाजा और है, वो उसको 10वां दरवाजा कहते हैं। हम 9 दरवाजों में खेलते हैं, हम 10वें दरवाजे में जा नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि हम क्वालिफाइड नहीं, क्योंकि हमने उन नियमों का पालन नहीं किया जो नियम हमें अपनाने चाहिए, जो नियम हमें अपनाने चाहिए। मैंने सुना वहाँ एक बात कही जाती, ये नहीं खाना, ये नहीं पीना, बस उसके अलावा कुछ नहीं। और मैंने देखा, मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी पहली बार अमेरिका गए 1970 में, आकर उन्होंने जो अपनी अपने मन की हालत बताई, महाराज जी कहते ओ, 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 ओ क्या क्या कहूँ मैं वहाँ गया, नाम भी लोगों ने लिया हुआ है, कोई शर्मा कोई वर्मा कोई 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 कोई, सबके फ्रिजों में गाय का मीट बीज, सभी बीज खाते। तो मैंने उनको पूछा, भाई तुम नाम लिया हुआ है, तुम यहाँ आ गए, तुम बाकी तो चलो मान लिया खा लिया, फिर तुम गाय को खाते हो? महाराज जी ये वो गाय नहीं है, ये वो गाय नहीं है, ये गाय और है। नाम गाय ही है लेकिन वो गाय नहीं है। दुनिया ने कैसे अपने आप को पखंड के जाल में फंसाया हुआ है, ये वो गाय नहीं है, ये खाने वाली गाय है, ये वो गोपी नहीं है, ये खाने वाली गोपी है। बात समझ गए? तो गाय के बीच को भी गोपी बना दिया। क्या कहा? तो बताइए वो क्या कर रहे हैं वहां जाकर, क्या होगा उनका हाल? लेकिन कबीर साहब ने तो कहानी खोल दिए, कोई बताता ही नहीं। वो नाम लेने से पहले पहले ये सुन लो, फिर आओ नाम लेने के लिए। ये तो सुने ही नहीं तुम लोगों ने, बस सोने ना लिया तो चार के साथ आओ सारे कब्बर बनना निकल भी। वो और तो और दुख की बात बताता हूँ, मुझे कई लड़कियों के नाम आते हैं चलिए। मैं कहा बेटा क्या बात, तू रोती क्यों है, क्यों रोती है? कहती बाबा जी क्या बताऊं, मैं मेरे तमाम मम्मी पापा ने नाम लिया है, मैं भी नाम लिया है, मैं कैसे घर में ब्याह गई कि जहाँ तो मूर्तियों की पूजा होती है। मैं कह तुम्हें मूर्तियाँ खाती हैं, तुम्हें मूर्तियाँ खा रही हैं, तुम मूर्तियों में अपने गुरु को देखो, तुम क्यों ऐसा तड़प रही हो?
तुम नाम ले लिया था, ये तो मतलब तेन सब कुछ बकुल गया। चुकी रहना है तो वही करो जो तुम्हारे शास्त्र से करते हैं। जा इतनी अच्छी बन जाओ, इतनी ऊंची चल जाओ कि तेरे शास्त्र से भी तेरे साथ मिलकर वही काम करें जो तुम कर रही है। क्या काम है ना, पर दुनिया इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या कहते कभी इस सब सुन लो, दीदार महल में प्यारा है, काम क्रोध मद लोभ विचारो। कौन प्यारा, सबसे प्यारा दुनिया में कौन है तुम्हें बताओ? कोई कहेगा मुझे बेटा प्यारा है, कोई कहेगा मेरी पत्नी प्यारी है, कोई कहेगा मेरी कौन पर प्रॉपर्टी है, कोई कहेगा मेरे महल है, कोई कहेगा मेरे अच्छे बड़े के कहते हैं ना, लेकिन अपने आप का जो प्यारा उसको कोई याद ही नहीं करता। और वो कहीं बाहर भी नहीं है, उसको पुकारने की भी जरूरत नहीं है। क्या से कह दिया गुरु नानक साहब ने, तीनों बंद लगाए कर सुन अनहद चंकोर, नानक शुद्ध समाध में नहीं सांझ नहीं भोर। आंख कान मुख बंद कर, मैं तो कई दफा कह देता हूं वो बंदा बन, बंदा का बनेगा जब से मान गया, बंदा बन कर बंदगी, तीनों बंद लगाए गजना ही है माल खजाना, जो खोजे सो पाए। जो खोजेगा वही पाएगा, जिसने खोजना ही नहीं वो कैसे पाएगा। तो कहते काम क्रोध लोभ मोह को छोड़ो। अब मैं और क्लियर कर दूं, अब कबीर साहब ने काम क्रोध लोभ मोह की बात की है, लेकिन मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी ने तो खोल कर बताया कि काम क्या है, क्रोध क्या है, लोभ क्या है, मोह क्या है। वो मैं सुना देता हूं, कोई भी बड़े से बड़ा संत पंड संत हो, कोई भी इन चीजों से फ्री नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ये कुदरत के पांच गुण हैं हमारे अंदर, लेकिन हमने उनको समझा नहीं। काम दुनिया ने कुछ अलग समझा, जो आदमी औरत का संबंध है उसको काम कहते, वो नहीं है। काम काम सब कोई कहे, काम न जाने कोई, जितनी मन की कल्पना काम कहावे सोई। जितना तुम्हारा मन दौड़ता है ये भी ले लूं, वो भी ले लूं, वो भी ले, वो काम है। बात समझ गए मेरी बात को? उसको लिमिट कर लो, तुम्हारी चीजें लिमिट हो जाएगी। कितना चाहिए, ये कितना बड़ा सीन है, इतना कपड़ा चाहिए, इतनी मुट्ठी रोटी, इतनी मुट्ठी पेट है, इतनी रोटी चाहिए, पानी चाहिए, दूध चाहिए, लस्सी चाहिए, फल फ्रूट खाओ, क्या नहीं है आपके लिए, सब कुछ है। इसलिए पहले काम को समझो क्या है। दूसरी क्रोध, क्रोध क्या है, क्रोध आदमी को क्यों आता है, विचार करो। तो मैंने विचार किया, क्रोध तुम्हें तब आता है जब तुम्हारे मन के अनुसार कुछ ना हो। तुम चाहते हो कि घर में बच्चे भी तुम्हारे कहने लगे, तुम चाहते हो तुम्हारी पत्नी भी तुम्हारी उंगली पर नाचे, तुम चाहते हो पड़ोसी भी तुम्हारे मुताबिक काम करे, और तुम तो यहां तक भी चाहते हो कि भगवान भी तुम्हारा ही कहना माने। बात समझ गए, तो तुम्हें क्रोध तो आएगा, तुम अपने आप को दूसरे में देखते नहीं हो। तुमने ठेका लिया कि तुम्हारे घर के आदमी सारे तुम्हारी उंगली पर नाचे, उनको भी उनकी भी इज्जत दो। आजकल बच्चे बड़े इंटेलिजेंट हैं, उनके काम में क्यों दखल देते हो? औरत तुम्हारा औरत जो औरत है उसको मालिक ने कहा वो मैन, अंग्रेजी में उसको वो मैन कहते हैं, वो मैन जो हमारे शरीर का आधा हिस्सा है, अगर तुम आधे हिस्से से नफरत करते हो तो तुम इस साइड को नफरत करते हो, तुम सुखी नहीं रह सकते, तुम अधंगनी का अपमान करते हो तुम सुखी कभी नहीं रह सकते। इसलिए क्रोध तुम्हारा शांत हो जाएगा, तुम दूसरों को सहन करो, दूसरों से प्यार करो, तुम्हें कभी भी ये क्रोध नहीं आएगा। समझ गए क्रोध। आगे क्या है लोभ, लोभ क्या है, आदमी चाहता है ये भी मिल जाए, जो चीज आपके पास नहीं है उसको ज्यादा से ज्यादा प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए।
और मैं तो यहां तक भी देखा लोग खाने में भी लोभ करते हैं, पेट भर गया फिर भी खाने दो थोड़ा सा, बहुत स्वाद है एक फुल्का हो दे दो, ये भी लोभ है। और वो लोभ भी तुम्हारा पेट खराब करेगा, उतना खाओ इतना पस जाए, क्या कहने में दुनिया की तो बात क्या बताऊं। तुम खाने में भी लोभ करते हो, पीने में भी लोभ करते हो, बाजार गए कहीं वो देख ली वो पीते हो, भैनों में थोड़ी की गल करा कुछ तो गोल गप्पे आई दुकान मिल जाए बच्चा लोग पास ढेर लग जाता गोले गप्पे आए भी आज समझ गए। ये जो खाने वाली चीजें हैं ये लोग खाने खाने के लिए तुम्हें मान के अन्न पैदा किया है, गोल गप्पे नहीं पैदा किए, गोल गप्पे बस। जो चीज तुमने बनाई चाहे वो पकौड़े हैं कि चाहे वो समोसे हैं, चाहे वो टिक्की है, चाहे वो बर्गर है, चाहे वो क्या उसको बोलते हैं कहना है, तो वो सारे का सारा जहर है। तुम नहीं बच सकते, बड़े बड़े हॉस्पिटल बन रहे हैं इसलिए बन रहे हैं, हमारे पीछे खा रहे हैं। और मैं बता देता हूँ आने वाला जमाना बड़ा खराब है, लोभ ना खाने में रखो ना कुछ ज़्यादा इकट्ठा करने में रखो, उतना लोभ कबीर साहब ने तो कहा इतना दीजिए जित में कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा ना जाए। अरे कितनी ऊंची बात, कितनी ऊंची बात है ये, लेकिन हम नहीं प्रवाह करते। लोग भी समझ गया क्या है मोह, मोह क्या है, ये जो चीज तुम्हारे अपने पास है उसको तुम समझ लेते हो ये मेरी है, क्या कहा मैंने वो मोह है। कोई भी चीज है, चाहे बच्चे हैं, चाहे पत्नी है, चाहे कोई भी चीज है, कोई स्थूल चीज है, कोई सूक्ष्म चीज है, उसके साथ तुम्हारी जो अटैचमेंट है वो मोह है, वो तुम्हें कभी भी इस दुनिया से पास जाने को नहीं छोड़ेगी, कभी नहीं छोड़ेगी। लोभ भी हो गया, क्रोध भी हो गया, और फिर आगे क्या है अहंकार, काम क्रोध लोभ वो अहंकार। अहंकार बुरा शब्द नहीं, अहम कहते हैं मैं अहम, अहम ब्रह्म अस्मि कहते हैं ना, मैं वही हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। तो अहम मीन तुम, उसमें जमा हो गया आकार, आकार मीन रूप, मेरा रूप, मेरा रूप वो चारों से ऊपर है, उस रूप को जाओ। काम क्रोध लोभ को अहंकार वो इन चारों से परे है, जब तक तुम इन चारों में हो और इनका रूप नहीं समझा और इनका दुरुपयोग किया, इनको समझो। मैं भी मोह करता हूँ, किससे करता हूँ, किससे कहूँ करूँ, किससे करूँ, अपने आप से। गुरु ने मुझे अपने आप से मोह करना बता दिया। लोग किस बात का लोग जितना समय मिले मैं उसके साथ जुड़ा रहूं। मेरी बात को पकड़ो, क्या कह रहा हूं, मेरा लोभ ये है कि जितना समय मुझे मिले अकेले में मैं उसके साथ जुड़ा रहूं। काम तो इच्छाएं खत्म हो गई, पता लग गया कि जो उसने करवाना है वो करवा रहा है। ऐ बंदिया तेरे हाथ कुछ नहीं, नत खसम हाथ, गुरु नानक साहब की वाणी है ना। सब जा रहे थे तो छोटी सी बात सुना देता हूँ, मैंने कथा सुनी हुई के उनसे, पता नहीं सत्य है पता नहीं झूठ है। तो गुरु नानक साहब बाला मर्दाना जी ये सितंबर अगस्त के महीने में कहीं जा रहे, वो चलते रहते थे हमेशा। तो एक बार वो एक पगडंडी से किसी गांव से जा रहे हैं, तो वहाँ जमींदार छलियाँ लगी हुई हैं भुट्टे बड़े बड़े, तो वो छलियाँ जानते ना पंजाब में, वो छलियाँ लेकर वहाँ भून कर खा रहे हैं छली, आप समझ रहे हो। तो उन्होंने देखा महापुरुष आए हैं, तो महापुरुष आ रहे हैं, तो जो मालिक था उसने अपना कपड़ा उतारा, बाबा जी यहाँ बैठो छली खाओ। सत्कार होता था, बहुत प्यार होता था संतों के साथ महापुरुषों के साथ,
अब तो बदल गया, ना वो संत रहे ना वो साधु रहे, ना हम वैसे रहे। तो गुरु नानक साहब भगवान ने कहा, देख भाई हमारा पैदा दूर है, हमने दूर जाना है, तो आप हमें एक एक क्षति दे दो, हम खाते जाएंगे और आपके गुण गाते जाएंगे। तो उन्होंने तीन क्षतियाँ उनको दे दी, गुरु नानक साहब को भी दे दी, बालाजी को भी दे दी, मरदाना जी को भी दे दी। तो थोड़ी थोड़ी देर जब क्षति खा ली, खा रहे हैं, तो बालाजी ने क्षति ऐसे ऐसे डाले घेर कर ऐसे रखे और फक्का मारना था ऐसे, मुझे नहीं पता आपने क्षति खाई कि नहीं, मैं तो बहुत खाई, ऐसे ऐसे उसको छली को घेरना, उसके दाने निकालना, फिर मारना, फिर उनको चबा के कर लेना, फिर अगे होड़ लेना। तो उसने जैसे ऐसे छली रखी, दाने रखे, तो गुरु नानक साहब ने कहा, वाला रुक, कहते महाराज क्या बात हुई, क्या हुआ? कहते ये जो दाना है, ये दाना ये तुम नहीं खा सकते। कहते लो महाराज, कभी कभी आप भी बड़ी बोली बात करते, मेरे हाथ में है, मैंने अभी खा के आपको दिखा रहे। कहते अच्छे बांधा में ऐसा ही होना होगा। फिर कहते महाराज अगर ये दाना मेरा नहीं तो किसका है? कहते मेरी दृष्टि में यहाँ से ढाई को और एक मुर्गा चुग रहा है, मुर्गा, ये दाना उसने खाना है। कहते लो जी आज हो गई गल, मैं तो साबित कर देना कि दाना वो दाना नहीं मेरा है, मैं खाना पता मार ले। चल महाराज कहते अच्छा भी ऐसा ही होगा, मुझे क्या पहले मैंने क्या लेना, लेकिन मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि ये दाना तेरा नहीं। चलते गए, छलियाँ खत्म हो गई। वो आगे गांव में जब जाने अगले गांव में, तो वहाँ मुर्गे मुर्गे चुग रहे। महाराज जी तो खुश हुए, देखकर वो आ गया मौका। अब तो मुर्गा ऐसे पकड़ी जा, मुर्गे इधर भी चुग रहे इधर भी चुग रहे, तो एक मुर्गा उधर से महाराज जी की तरफ आने लगा, बाला की तरफ मोती हो चले हुए ना। तो बालाजी को बड़ा भारी छींक आई, बहुत जोर से छींक, उन्हें छींक एकदम नहीं मारी, करके छींक, तो मुर्गा तो चुप रहा था, वो दाना निकल कर भाग गया, तो वह दाना ऊपर चल गया था, ओ खा लिया। माता कहना महाराज धन्य है आप, धन्य है आप। तो क्या वाणी क्या कहती है, नथ खसम हथ रिज़्क तके दे, जहां दाना तहां खाना, नानका सच दे। तुम्हारा एक एक तो दाना लिखा हुआ है, मरने से पहले आदमी कह बस मैं नहीं खाना, मेरा नहीं दिल कर, बापू एक रोटी खा ला, नहीं मेरी कुर्की भी नहीं मिली, तो बापू पानी पी लो, मैं नहीं पानी पीना, वो तुसी दफा हो जाओ। कोई देखे बुजुर्ग रोटी खाना मरने को पहले पहले छत हो जाती है, क्योंकि खत्म हो गया बहुत मामला, और सभी लोग के पुजा रहे। तो मैंने क्या कहा, मैंने लोग अहंकार की बात भी कर दी और आपको समझा भी दिया, तुम किस बात की चिंता करते हो, है? और फिर एक बात मुझे और ज्यादा, मैं क्या करूँ, मजबूर हूँ। संत बाबा नंद सिंह जी बहुत कुछ होती है, संत हुए, संत हुए, बहुत अच्छे संत हुए, उनकी भी मैंने, मैं महापुरुषों के साथ जुड़ा रहता हूँ। उन्होंने एक बार कहा कि मालिक जब हमें सब खाने को दे रहा था, अलॉटमेंट करता है ना भगवान, तो हम लाइन में खड़े हो जाते हैं, वो हमारी जोड़ियों में डालता है, ये तेरे जीवन में तुमने ये खाना, तुमने ये खाना, तुमने ये खाना, ऐसा अलॉटमेंट हमें हुई हुई है पहले। तो बाबा नंद सिंह जी कहते हैं, तो भगवान जी सबको चोरियाँ भर भर कर दे रहे हैं, सबको चोरियाँ भर भर कर दे रहे हैं। जब मैंने अपना पल्ला किया, तो भगवान ने बुक ऐसे भरा, मेरे पल्ले में नहीं डाला, उसको ऐसे बखेर दिए, ऐसे। कहते नंद सिंह तुम जगह जगह तेरा भोजन है, बाहर जाओ। कहते मैं बैठता ही नहीं हूँ, चला रहता हूँ, कभी वहाँ मेरी कथा, कभी वहाँ कथा। वो बात समझ रहे हो, बात को पकड़ो। अब कबीर साहब कहते हैं, तुम प्यारे को देखना चाहते हो, तुम नाम लेना चाहते हो, तो पहले ये बोलो आगे। करनैनो दीदार महल में प्यारा है, काम क्रोध मद लोभ विसारो
की सहनशीलता, क्षमा माफ कर देना और संतोष कर लेना, बस अब और नहीं चाहिए। सबसे बड़ा धन अगर दुनिया में है, सबसे बड़ा धन जो तुम्हें शांति दे सकता है वो संतोष है। संतोष जानते हो, तसल्ली। बस मालिक तेरा शुक्र है, आपने मुझे बहुत कुछ दिया। ये तीन चीजें आप में आनी चाहिए, क्षमा करना। मगर तुम कहाँ क्षमा करते हो, तुम नहीं करते क्षमा। मैं एक बात और सुनाता हूँ, अपनी आंखों देखी सुनाता हूँ, तो बीपीओ बहनों को सुना। मैं कॉलेज अपनी गाड़ी में जा रहा था, तो उस सड़क के ऊपर सत्संग का किसी बड़े देवे का, तो भी मैं थोड़ा दूर था, तो बच्चे बाहर आए गेट पर, गेट के बाहर आ गए, तो मैंने समझा सत्संग खत्म हो गया, अब मुझे गाड़ी आराम से चलानी चाहिए या खड़ी कर लेनी चाहिए, क्योंकि बच्चे आएंगे, बीबियाँ आएंगी, तो मैंने गाड़ी डेड स्लो कर ली। इतने में 7-8 मेरी बहनें बाहर आई, मैंने सोचा भाई गाड़ी बंद ही कर दी, ये बीबियाँ कोई बात करेंगी, आज सत्संग में हमने ये सुना, आज हमने सत्संग में ये सुना। मैंने उस वक्त मेरे कान बड़े तेज थे, है ना, तो वो 7 वक्त चल रही हैं, एक बीबी पीछे से एकदम आगे दौड़ गया, पीछे से वो आगे वाले की बाजू पकड़ी ऐसे, और मैं देख रहा हूँ, कहती तुसी मैनू कट समझदी हां सी, ते उन मैनू एक सुनाई तो मैं 10 सुनाईयां। वाह रे वाह, मैं कहे सत्संग सुन के हनी मिल गई, उन्हें एक सुनाई तो मैं 10 सुनाई, मतलब किसी ने झगड़ा होया हो, एक गाना सत्संग होया। आप लोग सत्संग में आए हैं, सोचो मैं क्या कह रहा हूँ, चिंतन करो, जाके गुरु के पास बैठो और वचन उनके सुनो, जो सुनो उनको विचारो, जो विचारो मैं गुनो, सब कुछ पाओगे नहीं तो नहीं। आप गुरु की भक्ति है क्या, गुरु की भक्ति क्या है, गुरु की भक्ति यह के कपड़े पहनाओ, उनके टोपी रखो, उनके सिर में ये रखो, उनको भोजन खिलाओ, ये वो तो एक तुम्हारा प्यार है, वो एक व्यवहार है, वो एक हमारी सभ्यता है, वो मानना चाहिए। आपसे उम्र में कोई बड़ा है तो उसकी इज्जत करो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ऐसा नहीं आप करते तो फिर आपको कुछ नहीं मिल सकता। असली भक्ति क्या है सुनो, जो मेरे दादा बम्बन दयाल जी महाराज ने बताया, दर्शन करे किसके, अपने गुरु के, दर्शन करे वचन उन्हें सुने, उनके वचन बार बार सुने, सुन सुन कर नित मन में गुने, गुन गुन कद नित करे असार, कर लय सार, कद सार तिस करे आहार, कर आहार पुष्ट हुआ भाई, जग भाग भय सब गए। क्या समझे, गुरु के वचन का मंथन करो, सोचो अंदर बैठ के क्या सुना, क्या सर क्या मतलब था, क्या मैं उस पर चल रहा हूँ कि नहीं चल रहा, हर रोज हर सुबह ये अपना प्रैक्टिस करो, तुम्हारा मन अपने आप ही समझ जाएगा, तुम्हें रास्ता मिल जाएगा, फिर उससे के साथ ही तुम ये भी करने लग जाओगे आगे बढ़ा। इन चीजों का मैं नाम नहीं लेता, मैं क्यों नहीं लेता ये भी बता देता, मैं नाम ये जो लिखा है कबीर साहब ने, मैं इनका नाम क्यों नहीं लेता। मेरे गांव में एक बहुत अच्छे हकीम थे, हकीम बुजुर्ग, और वो पुड़िया बना के दिया करते थे और लोगों के बुखार दूर हो जाते थे, कैया बुखार होता था, मलेरिया होता था, वो खत्म हो जाता। लेकिन अगर उसको ये पता लग जाए कि इस घर में ये लोग ये खाते और पीते हैं, तो वो वहाँ नहीं जाता था, चाहे कोई बीमार हो चाहे कोई ना बीमार हो। मेरी बात समझ सुन रहे हैं ध्यान से, उसको नफरत थी इस चीज से, उसको बहुत ही नफरत थी,
और वो कहा करता थी, कहा करता था, तुम्हें ये ले डूबेगा, ये मत करो, ये मत खाओ, ये मत पियो। जब आगे श्लोक क्या हुआ, जो उसके पोते ने मुझे बताया, क्योंकि मैं तो नौकरी में था, मैं गाँव गया तो गाँव उसने मुझे मैं क्या वो कील साहब का क्या हाल है, कहते वो तो चले गए। तो उसके पोते ने मुझे बताया कि जिस जिस दिन उनको आभास हुआ कि मैंने चले जाना है, तो उसने अपने पोते को बुलाया, बेटा बात सुन, ए ले पैसे और बाजार से वो ले गया जो लोग खाते हैं, नाम भी ले लिया, जो ले गया। कहता बापू आपने क्या करना, मैंने उन्होंने पूछना ले के पहुंच गया, बोले आधा किलो जो भी था ले आया, ले आके कहता अच्छा अब इसको बना कर लिया, पकाओ इसको बनाओ, क्या करना। कहते बापू क्या करना, तुम्हें क्या लेना रे, तुम बना कर ले आओ, रोटी भी ले आओ, और रोटी भी ले आया और थाली वो भी ले आया। कहता अब वो भी ला, उसका बेटा पीता था, उसका बेटा पीता था, वो इटली कनेक्शन में था, मेरा भी प्यारा था वो, बहुत मैं उसका लाभ करता था, क्यों कभी कभी टेलीफोन करना था तो मुझे मुफ्त में करवा देता था, रखा मैंने, वो ले गया। कितने लेके आना, कितने, अच्छा बाबा मैं लेके आना। उस डॉक्टर उस हकीम ने वो 95 साल के करीब थे, उन्होंने ग्लास लिया, ऐसे ग्लास लिया, वो डॉक्टर खोलेगा, डॉक्टर खुलाया और उसमें उन्होंने जितना कुछ उनको इच्छा था इतनी की डाली, पानी डाला और तटाकट पी गए। पीने के बाद वो भोजन भी कर लिया, फिर कहता बस आनंद आ गया, जा बच्चा रात को शरीर छोड़ दिया। क्या कहा मैंने, नफरत ने आखिर में उनको कहाँ डाला, वही डाला जिस चीज की नफरत नहीं करना, जो कोई करे, फरीदा तेरी झोंपड़ी कल कठिन के पास, जो करेंगे सो भागेंगे, हम तू गए उदास, जो कोई करेगा वही भरेगा, हमें क्या लेना, कोई झूठ बोले, कोई हेरा फेरी करे, कोई जो मर्जी करे, तुमने ठेका लिया उनको ठीक करने का, तुम अपने आप को ठीक करो, बात समझ गए। तो मैंने आपको जो 3 शब्द बोले हैं, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता, ना मैं नफरत करता हूँ, ना मैं प्यार करता हूँ, बात समझ गए, आगे बढ़ा। हो ज्ञान थोड़े असुआर भरम से न्यारा है, ये चीजें हो जाएंगी तो कबीर साहब कहते हैं, अगला शब्द इन्हीं का निकाल, अगला शब्द, जब ऐसी चीजें हो जाएंगी तो तुम्हें ज्ञान हो जाएगा, क्यों तुम सूक्ष्म भोजन ले रहे हो। भोजन 3 तरह का होता है, एक भोजन होता है राजसिक, एक होता है तामसिक, एक होता है सात्विक। तो संत मत में सात्विक भोजन का प्रचार किया जाता है, सात्विक भोजन जो प्रकृति की गोद से पैदा हुआ है वो सात्विक है, जो हमने उसको बनाया है अपने ढंग से, वो क्या पीडीएच का एक मसाला है बड़ा, उसका वो भी डालते हैं, फिर और मसाले डालते हैं, फिर और डालते हैं, फिर तरह तरह के घी, ये डाल, वो सारे का सारा तामसिक हो जाता है। तो कहाँ जाओगे आप, एक राजसिक होता है, राजसिक होता है मिला जुला भोजन, बैलेंस भोजन, जिससे आपका दाया कान काम ज़्यादा करेगा, और तामसिक भोजन से आपका बाया काम ज़्यादा करेगा। जो राजसिक भोजन है उनके अच्छे विचार यहाँ से ऊपर जाएंगे, हमारी इस नासिका से जाएंगे सांस के साथ, और जो बुरे विचार हैं नेकी के नहीं हैं, हेरा फेरी के हैं, झूठ के हैं, 420 के हैं, वो ख्याल यहाँ से हमारे दिमाग में जाएंगे और हमारे दिमाग को सोचने के कवर नहीं रहने देंगे। बात समझ रहे हो, मैं बहुत ऊँची बात कर रहा हूँ आपके साथ, इसलिए अपनी खुराक को ठीक करना है, तुमने फैसला करना कि तुम किधर जाना चाहते हो,
राजसिक बनना चाहते हो तो राजसिक भोजन करो भाई, इसमें सलाद भी हो, फल भी हो, फ्रूट भी हो, अच्छी दालें हो, अच्छे अच्छी सब्जियां हो और देसी घी हो, वो तो बात ठीक है। तो कहाँ तुम तो ले आते हो, क्या नाम है, रिफाइंड ऑयल ये ले आओ, तो कोई फॉर्चून खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, तो उनको तुम्हारी फॉर्चून खराब कर देगी। फॉर्चून मिल किस्मत है ना, फॉर्चून किस्मत, तो वो जो किस्मत को फॉर्चून है तो तुम्हारी किस्मत खराब करेगा ही करेगा। इसलिए कभी सामने से पहली कंडीशनें लगा दी। अब तुम विचार करो, तुम क्या खाते हो, क्या पीते हो, मुझे देखना हो तो मुझे खाते हुए देख लेना भाई, मैं क्या खाता हूँ, मेरी बात समझ गए। ऐसा खाना खाओ, इतने प्रेम से खाओ कि खाने का भोजन का पानी बनाकर पी लो, तुम बिल्कुल सेहतमंद रहोगे। ये नहीं कि बैठे 5 मिनट में थाली साफ, वो ठीक नहीं है। 5 मिनट में भोजन नहीं खाना, भोजन और भजन जितना टाइम दोगे उतना ही अच्छा रहेगा। भोजन ही तो भगवान है, वो भूखे भक्त, वो भूखे भक्त न कीजिए ले वाला, मैं सच्ची बात कर रहा हूँ ना। तो भूखा आदमी भजन कर सकता है नहीं, गरीब आदमी ने की करना है, गरीब आदमी तो रोटी के पीछे लगा हुआ है, उसने भजन क्या करना है। तुम भाग्यशाली हो, तुम संपन्न हो, जो बैठे हैं संपन्न हो, तो तुम्हारे पास टाइम है, खाने को भी टाइम दो, भगवान का नाम जपने भी टाइम दो, सोने के लिए टाइम फिक्स करो, जागने के लिए टाइम फिक्स करो। मैं गया इधर राजस्थान किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में गया मैं कोविड से पहले, तो सुबह हैदराबाद में बड़े धनी लोग हैं हमारे इधर, तो वो ऋषि साहब लाला जी आ गए, सबका हाल पूछा। एक लाला जी कहते महाराज हमारे घर में शांति नहीं है, हमारा मन बहुत विक्षिप्त रहता है। तो मैंने कहा आपने नाम लिया, मारा नाम लिया तो सबको सब 10-10 साल हो गए, अब मैंने बात को ध्यान से सुना। मैंने कहा आप सबने नाम लिया तुम भी सुन लो, तुम्हारे घर में कितनी फोटो लगी है, तुम्हारे घर में कितनी फोटो लगी है। कहते जी हमारे घर में तो बहुत फोटो लगी है। मैं क्या अच्छा गुरु की भी लगी है, हाँ गुरु जी की भी लगी, तो बाकी मेरे को उन्होंने कई देवताओं की और कई देवियों की भी बात सुना। कहते जी हम तो सुबह उठ के सबको धूप देते हैं, ज्योति जलाते हैं, तुम्हारे घर में कभी शांति होगी नहीं। मैंने कहा कहते क्यों महाराज, क्यों नहीं हो सकता। मैं क्या वो खुद लड़ते रहे अपने जीवन में, लगाओ किस देवता की नाम लेना तुमने, क्या लड़ाइया नहीं हुई असर की और सुरों की लड़ाइया हुई है। तो जो नेगेटिव चीजें हैं, नेगेटिव जिनको तुमने देखा नहीं उनकी फोटो तुमने लगाई है, तो वो नेगेटिविटी पैदा करेगी। नेगेटिविटी जानते हो, निकारात्मक विचार पैदा होंगे। एक को मानो भाई, एक को मानो, जिसको भी मानते हो, मैं कभी नहीं कहता कि तुम मानो, राम को मानते हो तो केवल राम को मानो, कृष्ण को मानते हो तो केवल कृष्ण को मानो, देवी को मानते हो तो केवल देवी को मानो, गुरु को मानते हो तो केवल गुरु को मानो। मेरी बात समझ गए, श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज में तो गुरु महाराज बैठे हैं, उनमें से किसी को ले लो बैठो, उनका ध्यान करो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, उनकी वाणी को पढ़ो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। मगर हम तो वाणी से पढ़ना जानते हैं, उसमें डूबना नहीं जानते, उसमें डूब जाओ तुम्हें बहुत कुछ मिल जाएगा। क्या कहा मैंने, लेकिन उस डूबने से तुम डूब नहीं सकते जब तक ये चीजें तुम्हें क्षमा नहीं है, तुम्हें संतोष नहीं है, तुम्हें सहनशीलता नहीं है, तुम्हारा भोजन ठीक नहीं। नमक खाने वालों का तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा ही बढ़ेगा,
जो सिद्धार्थ नामक करते हमारे बुजुर्ग वो सिंधा नामक लस्सी में ऐसे घोल कर खाते पीते थे पानी लस्सी ऐसी जब उनका बड़ा कड़ा होता लाल रंग का उनको कभी ब्लड प्रेशर नहीं हुआ। गुड़ की चाय पीते थे, चाय तो बहुत देर में आई, मैं तो छोटा था तब चाय आई। होशियारपुर में रेडियो पर लोगों को मुफ्त चाय पिलाते थे दुकानदार, क्योंकि चाय यहाँ भी शुरू कर दी थी। कहाँ चाय पीते थे, अब तो सुबह उठते भी चाय पियो, रात को सोते भी चाय पियो, जब कोई आ जाए तब भी चाय बनाओ, रोटी वहाँ मिले ना मिले ना चाय नहीं मिली। और क्या भी रहते, क्या उनके घर से चाय भी नहीं पिलाई, अपना खाना बदल दो, सफेद तीन चीजें सफेद छोड़ दो तंदुरुस्त रहोगे, सफेद मैदा, सफेद चीनी और सफेद नमक, बस ठीक रहो। खाओ प्राणी चीजें, खाओ शक्कर, खाओ गुड़, जिम्मेदार का भी काम बनेगा और बड़े बड़े फैक्ट्रिया वाले जो हैं जो लाखों रुपये कमा रहे हैं, कितने पैसे देते हैं मेरे जिम्मेदार को कितने की क्या देते हैं, एक क्विंटल के कितने पैसे देते हैं और एक क्विंटल से वो कितने लाखों रुपये बनाते हैं, क्या कहा मैं। इसलिए जिंदगी को बनाना है तभी प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल आलम बनो, आलम ना बनो आमिल बनो, आमिल आमिल होता है जो अमल करता है, बस अमल वो नहीं तो अमल करते हैं वो नहीं, जिंदगी को अमली बनाना है प्रैक्टिकल भी प्रैक्टिकल। अपने देखने को ठीक करो, अपने सुनने को ठीक करो, अपने बोलने को ठीक करो, अपने खाने को ठीक करो, तुम्हारा कर्म ठीक हो जाएगा, तुम्हारा विचार ठीक हो जाएगा, तुम्हारा मन ठीक हो जाएगा। ये पांच ज्ञान जो ज्ञान इंद्रियां है ना, आँख हुआ, कान हुआ, नाक हुआ, मुंह हुआ, ये सबसे जब इनमें मन बैठ जाता है, जब इनमें मन बैठ जाता है तो कोई ना कोई गड़बड़ करेगा। मेरे दादा ने फरमाया, परमदास जी महाराज, ये आँख सबकी, ये आँख अपनी माँ को भी यही आँख देखती है, अपनी बहन को भी यही आँख देखती है, अपनी बेटी को भी यही आँख देखती है, अपने बुजुर्ग को भी अपनी यही आँख देखती है। और जब कभी पराई स्त्री नजर आ जाए तो इस आँख में कुछ खलबली पैदा हो जाती है, वहाँ ये आँख तुम्हारी बिगड़ गई और वहीं तुम्हारा कर्म बुरा हो गया। इसलिए मैंने कहा देखना सीखो, बोलना सीखो, सुनना भी सीखो, सुनना है तो गुरुवाणी सुनो, बोलना है तो गुरु का वचन बोलो, गुरु की सिफ्त करो, गुरु के नाम का वंदन करो ताकि तुम्हारा कल्याण हो जाए। बात समझ गए आप। अब आखिरी दो लाइन और सुना देता हूँ जो कबीर साहब कहते हैं, तो वो प्यारा कब मिलेगा और कैसे मिलेगा। करने नो दिलदार अन्य अन्य से प्यारा है, करने नो दीदार, करने नो दीदार पिंड से प्यारा है। दूसरी बात कह दी, वो कंडीशन बता दी पहले कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये करना और ये नहीं करना, लिख दिया ना। अब वो कहते हैं कि उस प्यारे का आपने दर्शन करना है तो वो पिंड से न्यारा है, इस पिंड से शरीर, इस शरीर में वो फैला हुआ है लेकिन इसमें रहता नहीं, क्योंकि जब तुम सोते हो सो जाते हो तुम्हें को होश रहती है, तुम्हें कुछ पता ही नहीं, क्योंकि वो यहाँ से खींच कर अपने आप को यहाँ ले जाता है। बात समझ गए, फिर सुबह यहाँ आ जाता है, फिर शरीर में चला जाता है तो तुम काम करते हो। तो वो कहते हैं कर नैनो नीदार पिंड से न्यारा है। पिंड भी हमारे तीन हिस्से, एक पिंड ये शरीर, एक अंड, एक ब्रह्मांड, ये अंड है, ये ब्रह्मांड है, ये मन की दुनिया है, ये शरीर स्थूल रूप की दुनिया है,
ठोस रूप की दुनिया है, ये सूक्ष्म रूप की दुनिया है, यहाँ विचार पैदा होते हैं, प्लानिंग होती है, जीवन बनाने का ढंग होता है, पढ़ते हैं, लिखते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, इसी जगह से हम सारा काम करते हैं। बात समझ रहे हो? इसलिए उन्होंने कहा कि वो पिंड से न्याला, फिर कहा ये मन है। इसलिए कई संतों ने कहा ढूंढ मुझको अपने मन में, मैं तो तेरे पास ये दादा जान आशीष पर ढूंढ मुझको अपने मन में, मैं तो तेरे पास हूँ, मैं न काशी, मैं न मथुरा, मैं न गिर कैलाश हूँ, तू हुआ मेरा तो देख, मैं भी तेरा बन गया, मैं तो तेरे मन की सच्ची आस और विश्वास हूँ। एक शब्द में फिर उन्होंने क्या कहा, दूसरी बात फिर कही दादा जान ने और आगे भी कह दी, घट में दर्शन पाओगे संदेह इसमें कुछ नहीं, जो गुरु नानक साहब ने कहा वो दादा ख्याल कहते हैं। घट घट क्या, ये घट में दर्शन पाओगे संदेह इसमें कुछ नहीं, ढूंढ लो अपने घट में, क्या वो आगे कुछ शब्द है ऐसा, ढूंढ लो मुझको वहीं, हाँ ढूंढ लो मुझको वहीं, मैं रहता हूँ वहीं, मैं तो घट में हूँ, सुरत मेरा रूप है, सुरत मेरा रूप है, सुरत गुरु कहता मेरा रूप क्या सुरत है, ये नहीं जिसको तुम लेकर बैठे हुए हो, मेरा रूप ये नहीं है, ये तो नाशवान है, वो हमेशा रहने वाला है, और वो नाम अजर और अमर है, वो सुरत अजर और अमर है, वो सदा रहने वाली है, और उसको संतों ने उस जगह का नाम राधा स्वामी रखा, जहाँ राधा भी है और जहाँ स्वामी भी है, वो राधा नहीं तो तुम राधा राधा करते हो, राधा वो है जो धारा के रूप में ऊपर से आई, धारा कहाँ से, उस मान के कुल से हम बिछड़े, जैसे सूरज की किरण जमीन पर आती है और शाम को फिर वापस चली जाती है, हम भी उस मालिक से उसमें हरकत हुई, धारा के रूप में हम बह गए और आगे पता नहीं कितने कोस लगे हमें जहाँ आने में, और हम इस मानव रूप में आ गए। संतों ने कहा इस धारा को उल्ट दो, इस धारा को उल्ट दो, क्या बनाओ राधा, ऊपर को जाना है, एक लिखा है उल्टा नाम जगत जगत ने जाना, उल्टा नाम जगत उल्टा नाम जगत जग जाना, वाल्मीक वह ब्रह्म ज्ञानी, ऐसा है उल्टा नाम जगत जग जानी वाल्मीक वह ब्रह्म ज्ञानी, फिर राम ने वाल्मीकि ने मरा 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 जपा, समझ गया ना, तो ये गलत है, तो ऊपर से नीचे को जाना है, यहाँ से नीचे को जाना, यहाँ तुम रहते हो सारा दिन, यहाँ रहते हो रात को तुम यहाँ से तुरंत ऊपर चले जाते हो, उसको बेहोशी कहते हैं, उसको पता ही नहीं तुम कहाँ हो कहाँ नहीं, लेकिन सुबह उठकर क्या कहते हो, आज बड़ा ही आनंद आया, उसको किसने आनंद लिया, किसने लिया आनंद, उसी अच्छे से वहाँ आनंद है, वहाँ शांति है, इसलिए कबीर साहब कहते हैं वो पिंड से न्यारा है, फिर कहाँ है आगे पढ़ो, पिंड से न्यारा है तो हिल गए सोच विचार, ये अंध नजारा है, कहते तू सोच विचार कर कहाँ है वो, तेरे अंड के अंदर है, तेरे मन के अंदर है, मन के अंदर सबसे बड़ी चीज क्या है बताओ, तुम्हारी जिंदगी की डिमांड, तुम्हारी आशाएं, तुम्हारी डिमांड है, तुम्हारी आशाएं हैं, तुम्हारी कल्पनाएं हैं, तुम्हारी योजनाएं हैं, जब भी मिले ये भी मिले, सबसे बड़ा क्या है तुम्हारे मन के अंदर आना चाहिए, तुम्हारे मन के अंदर क्या सबसे बड़ी चीज होनी चाहिए, विश्वास और कुछ नहीं, विश्वासम फलदायकम, तुमने विश्वास कर लिया तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, तुमने संदेह किया तुम्हारे पतंग की डोर टूट जाएगी, तुम्हारा रिश्ता भी टूट जाएगा, संदेह डाउट इन्होंने
बर्बाद कर दिया हमारे दुनिया को। यहाँ जब विश्वास पैदा हो जाएगा परिवार में तो मेरा देश क्या बन जाएगा, स्वर्ग बन जाएगा, मेरा हर घर स्वर्ग बन जाएगा। तो पहले क्या पैदा करो अपने मन में, विश्वास पैदा करो पति का पत्नी के प्रति, पत्नी का पति के प्रति, बच्चों के प्रति, पड़ोसियों के प्रति, गुरुओं के प्रति, वाणी के प्रति। तुम पूर्ण विश्वास करो, इससे बड़ा दुनिया में धन और कोई नहीं है। बात समझ गए, आगे बढ़ो, आगे है ना। चोरी जारी निंदाचारों, हम तो कहते हैं चोरी चोरी मत, चोरी क्या, हम तो चोरी करते हैं, सब करते हैं। क्या कैसे चोरी करते हैं? जब हम आए दुनिया में तो हमारे पास क्या था, कुछ भी नहीं। मालिक की कृपा हुई, हमें सब कुछ मिल गया और उसको हमने अपना बना लिया, चोरी कर ली मालिक क्या दी हुई चीज की। क्या मैं कह रहा हूँ, बात को पकड़ो, तुम्हारा जहाँ कुछ भी नहीं है। दुनिया से जब चलेगा कुछ भी ना साथ होगा, तो गज कपट का टुकड़ा तुम्हारा निवास होगा, मेरा निवास होगा। और फिर मेरे साथ क्या होगा, मेरे कर्म वो मेरे साथ, वो नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। वहां कर्मा ने होने लिखे, बाकी के कुछ मेरे प्रोफेसर होते थे पटारी साहब, वो नहीं है जब मैं जहाँ पढ़ता था, तो वो कहते थे अमल चाहे एमए पढ़ना चाहे पीएचडी करना, तेन उन्हें नहीं पूछना बालक तेन पाठ बच्चों ने पढ़े लिखे नहीं है, तेरा कर्म देखना। मैं कह भंडारी साहब आपने तो मेरे बाबा जी की गल कह दी। ऐसे ऐसे टीचर भी मिले थे। तुम्हारी एजुकेशन, तुम्हारा धन, तुम्हारा सब कुछ वहां नहीं पूछा जाएगा, वहां तो कर्म पूछा जाएगा। कर्म क्या क्या किया है, आपके कर्म क्या है, चिट्ठी वहां पहुंच जाएगी। जैसे मैं कल आपको बताया था, हमारे पास दो डायरियां हैं, एक में पिछला साहब लिखा हुआ है, एक खाली है। पिछला साहब मिट जाएगा और ये खाली रहेगी तो तुम डर गए। अगर पिछला साहब भी साफ नहीं हुआ, ये डायरी और भरती आपने, दोनों पेश हो जाएगी। चल वापस, चल वापस, फिर कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा, किस रूप में मिलेगा कुछ नहीं जानते। बात समझ गए, कई जन्म गुरु मानिए, कई जन्म कहे कीट पतंगा ऐसी मानिए, कई जन्म पतंगे हम क्या क्या बने हैं, और मानुष्य जन्म हमें कब मिला, बड़ी उस मालिक की कृपा से मिली। और सबसे बड़ी कृपा ये हुई कि आप बाबा फकीर के दरबार में बैठे, इससे बड़ी कृपा और क्या हो सकती, और इससे बड़ी कृपा क्या हो सकती, आपको महापुरुषों के वचन सुनने को मिले, भले ये है ना, इससे बड़ी कृपा फिर और क्या होगी। तो तुम इन वचनों पर चलो, फिर उसकी कृपा क्या होगी, तुम्हारा जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। दवाई खाओगे तो तंदुरुस्ती जरूर मिलेगी। क्या कहा मैंने, आगे बढ़ो। चोरी जारी निंदा चारो, निंदा कर सतगुरु सिर धारो, करो किसी की बुराई ना करो, वो बुराई किसी की करोगे आदि तुम्हारे हिस्से आ जाएंगे। मत देख बना के उड़ाए पंकड़, मत कर मक्खी संग भिन भिन, ये लिखते हैं स्वामी जी महाराज, मक्खी की तरह भिन भिन करते हो, कभी उसकी बुराई कर, उसकी तुम्हें मिलेगी आदि को नेचुरल मिलेगी, इसको कोई टाल नहीं सकता। इसलिए बुरा तो देख मैं चला, बुरा न मिलिया तो जब मन देखा अपना, मुझसे बुरा न करो हम नहीं चंगे। गुरबाणी में भी एक लाइन है, हम नहीं चंगे, बुरा नहीं कोई, कोई बुरा नहीं है। तुम्हारी नजर बुरी है, तुम्हारी सोच बुरी है, तुम्हारा मन बुरा है, और तुम पूर्ण रूप से भी बुरे हो जाओगे। तुम्हें मालिक ने बहुत अच्छा बनाया, तुम्हें पूर्ण बनाया हुआ है, तुम पूर्ण हो, पूर्ण, और पूर्ण सभा में बैठे हो, यहाँ पूर्णता की बात की जा रही है। इसलिए तुमने मैं कबीर साहब की वाणी क्यों ली, ताकि तुम्हें बता दूं कि तुम पहले क्वालिफाई करो, काबिल बनो, ऐसा होने, जब ऐसा हो जाओगे
कानों में निदान तुम्हारे हो जाएगा। कौन से नैन? वो अंदर है, ये नैन नहीं, ये नैन तो मुझे देख रहे हैं। फिर एक अंदर नैन है हमारे, क्या बताऊं, रुका नहीं जाता। तुम्हारे मन के भी नैन है, तुम्हारे मन के भी कान है, तुम्हारे मन की भी आंखें हैं। देख, तुम्हारे मन का भी जुबान है जो सुपने में काम करती है कि ना। और हमारी आत्मा की भी आंख है, हमारी आत्मा के भी कान है। वो तुम प्रकाश को अंदर कौन देखता है? प्रकाश अलग है तुम अलग हो। सतलोक में दीन बजती है, उसको कौन सुनता है? तुम सुनते हो। तो आत्मा के भी कान होते हैं, आत्मा देखती नहीं है, आत्मा सुन भी नहीं है। और फिर आगे जो सुनते हैं, उसके भी कान है, उसकी भी आँख है, क्योंकि उस आँख से प्रकाश को देखती है और उस कान से वो शब्द को सुनती है। और वो अलग है, ना वो शरीर है, ना वो मन है, ना वो आत्मा है, ना वो प्रकाश है, ना वो शब्द है, वो तुम हो, क्या कहा मैंने। तो लेकिन उसके दर्शन कब होंगे? जब इस वाणी के ऊपर चलोगे, इस वाणी पर चलोगे और अपना एनालिसिस करोगे, अंदर जाओगे, मैं कौन हूँ। मैंने सुबह आपको डिटेल में बता दिया तुम कौन। तुम तो कुछ करते ही नहीं हो, करने वाला कर रहा है। नाम तुम अपना लिख रहे, तो मैंने किया, करने वाला कर रहा है। जब ये बात आ जाएगी, तुम करते हुए भी कुछ नहीं कर रहे, तुम देखते हुए भी कुछ नहीं देख रहे, तुम सुनते हुए कुछ नहीं सुन रहे, लेकिन ये स्टेज बहुत ऊंची है। क्या कहा मैं आगे पढ़ो। सत शंकर सत नाम उचारो, तब सन्मुख रहे दीदारा है। कहते हैं इसके बाद फिर नाम का सिमरन, वो नाम जो तुम्हारे गुरु ने तुम्हें दिया है, वो क्या नाम है तो तुम जानो। मुझे तो मुझे पता है मेरा गुरु ने तुम्हें नाम दिया, जो तुम्हें नाम दिया उसका सिमरन करो। और ऐसे सिमरन करो कि वो जो नाम है वो माल के कुल का नाम है, माल के कुल का नाम है। और माल के कुल कहाँ रहता है? तुम्हारे अंदर रहता है। दूसरे शब्दों में वो नाम तुम्हारा असली नाम है। ये नाम जो दुनिया का है, ये तुम शरीर छोड़ोगे तो क्या कहेंगे? वो मर गया और नाम भी गया, बाद में कोई याद करता है ना। तो हमारे इस समाज में या तो खंड पाश करते तो पाता, चलो उधर पर कोई नहीं पूछता कौन सी खोल। और इधर सनातन धर्म में वर्ष के बाद याद करते हैं या चार वर्ष के बाद याद करते हैं, चुमार खा करते हैं, चल उसके बाद कह रहे चल गया, कौन याद करता है? मेरी बात समझी है? लेकिन वो जो नाम है वो तुम्हारा नाम है, वो अजर है, वो अमर है, ना वो मरता है ना वो जन्म लेता है, उसको तुमने लेना है। इसके बारे में मैं कल से बोल रहा हूँ और बार बार कह रहा हूँ, आओ हम अपने आप को पहचाने, अपना आपा आप पहचानो, कहा किसी का नेक ना मानो। तुम्हारा शरीर तुम्हारी लेबोरेटरी है, तुम्हारा शरीर तुम्हारी प्रयोगशाला है। इसके अंदर सुबह शाम जाओ, एक मिनट, दो मिनट, पाँच मिनट, दस मिनट, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, और फिर देखो तुम्हारी नज़ारा आ जाएगा, तुम्हें अपना रूप का पता लग जाएगा, तुम्हारे अंदर से नफरत खत्म हो जाएगी, तुम प्यार की मूर्ति बन जाओगे, सबसे प्यार करोगे, नफरत खत्म हो जाएगी, तुम्हारा जीवन यही स्वर्ग बन जाएगा। तो मैंने बहुत कुछ कह दिया, समय बहुत हो गया, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरे बस में नहीं है। जब गाड़ी चल पड़ी तो मैं उसको स्टेशन तक जरूर पहुँचाना चाहता हूँ। बाकी कल सुबह आखिरी सत्संग होगा बैसाखी का, उसमें जो महापुरुष आए हैं वो जो कहना चाहेंगे कहेंगे,
और कल जो आखिरी सत्संग होगा वो भी मैं शब्द लूंगा और वो भी तुम्हारे मंदिर का होगा और वो तुम्हें आँख खोलने वाला होगा कि वो नाम किसको मिल सकता है, कौन अधिकारी है, वो मैं बता दूंगा कल। आप सबको बहुत बहुत प्यार भरा। राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा।